अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं एचकेआई किचन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस मेयोनीज, जो कि घर पर 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक और क्रीमी बनेगा। ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे बनाएंगे। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करना है आप लोगों को, वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए तो ही समझ में आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो 15 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक ब्लेंडर लिया है मैंने, और इसमें हम ऐड कर देंगे दूध, क्योंकि यहाँ पे एगलेस मेयोनीज बना रहे हैं हम, तो दूध का इस्तेमाल होगा, अंडे का नहीं होगा। 1 कप मिल्क यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर आपको ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 1 कप दूध मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब शुगर, ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। अब यहाँ पे जाएगा नमक, तो 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट पेपर पाउडर। तो वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ। अगर नहीं आप लोगों के पास तो काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। और लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा बचा है, वो है सिरका, मतलब कि वाइट वेनेगर। तो 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो लेमन जूस, 1/2 लेमन जूस यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो देखिए, यहाँ पर अब 2 कप ऑयल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऑयल से ही मेयोनीज बनाया जाता है। तो पूरा एक साथ नहीं डालना है हमें ब्लेंडर में, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है, इसे हम एक बार मिक्सी में घुमा लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे मिक्सी में एक बार चलाया है, तो ये अभी थिक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ऑयल यहाँ पे पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। एक साथ नहीं डालना है, खास ख्याल रखना है, नहीं तो मेयोनीज़ बन के रेडी नहीं हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पतला ही है, थिक नहीं हुआ है। थोड़ा सा ऑयल फिर से हम इसमें डाल देंगे। 4-5 स्टेप में आप लोगों को यहाँ पे ऑयल डालना है, और फिर इसे मिक्सी में घुमाते जाना है। और ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम से कम 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने फिर से इसे मिक्सी में घुमा दिया था, चला लिया था, और ये थोड़ा सा थिक हो गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा थिक हो गया है। लेकिन हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, हमें और ज़्यादा थिक चाहिए। तो और क्योंकि 2 कप हम ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल करें, पूरा ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब एंड में जितना भी ऑयल बचा हुआ था ना, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया, 2 कप ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरा ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और एक बार फिर से मैं मिक्सी को चला लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे ये बनके रेडी हो गया है मेयोनीज़। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक बना है, क्रीमी बना है। आप इसे कोई भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेयोनीज़ की। मैंने कबाब भी बताया था आप लोगों को, मेयोनीज़ कबाब, और बहुत सारे रेसिपीज़ बनती है मेयोनीज से। तो इसे ज़रूर बनाकर स्टोर करके रख सकते हो आप 15 दिन के लिए। आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। तो आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान से रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।